हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, वेलकम टू पढ़ाई मैटर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोयम क्लास 10th का, इसका नाम है अ टाइगर इन द जोन और इसके पोएट हैं लेजली नॉरी। क्या है? लेजली नॉरी, LESLIE एंड NORIE। इस नाम को याद रखें क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें कि हम इस पोयम में एक टाइगर की कंडीशन या फिर उसके बारे में बात करेंगे। ओके, ये पोयम में पूरी उसी के ऊपर ही केंद्रित है। तो पोयम के फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं और उसका हम लोग समरी निकालते हैं क्या होगा। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट केट इन हिज क्वाइट रेज। तो इसका मतलब यह है कि जो टाइगर है वो एक केज में बंद है और उसकी जो बॉडी है उसके बॉडी में विविड स्ट्रिप है। जैसे कि आपने देखा होगा टाइगर को रियलिटी में नहीं तो, लेकिन ऐसे फोटो में कि जो टाइगर होता है उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर ऑरेंज कलर की और ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी होती है, उसका मतलब यहाँ पे यही है। और जो टाइगर है, टाइगर केज में क्वाइटली मूव कर रहा है। अब क्वाइटली क्यों मूव कर पा रहा है? क्योंकि उसका जो पैड है, उसका जो पैड्स है वो काफ़ी सॉफ्ट है, बिल्कुल वेलवेट की तरह। वेलवेट मतलब मक्खन की तरह सॉफ्ट है और थिक है, जिसके वजह से वो आसानी से आराम से मूव कर पा रहा है इधर उधर। लेकिन उसे अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब क्यों ना गुस्सा हो, क्योंकि उसका घर तो जंगल है और वो इस केज में बंद है। तो इसलिए जो टाइगर है वो बहुत गुस्से में है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया फर्स्ट स्टैंजा में कि जो टाइगर है वो अंदर से बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो केज में एक चार दीवारी के अंदर नहीं रहना चाहता, वो अपने घर अपने जंगल में रहना चाहता है। तो हम सेकंड स्टैंजा जो है उसके बारे में ये है कि अगर टाइगर जंगल में होता तो क्या क्या होता। तो आइए हम उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको मैं डिफाइन कर दूंगा। ही शुड बी लर्निंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पासेस। यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, वाटर होल का मतलब यहाँ पे नदियाँ पॉन्ड से है। और अब मैं इसका पूरा बताता हूँ, आपका डिफाइन करता हूँ कि अगर जो जो टाइगर है अगर वो जंगल में होता तो वो उसी जंगल के किसी जहाँ पे वाटर सोर्स है नदियाँ, उसी के वहाँ पे जो लॉन्ग ग्रासेस होती हैं उसके शैडो में छिपके डियर का वेट कर रहा होता। क्योंकि जो वाटर है, जो पॉन्ड्स है, रिवर है, वहाँ पे डियर आएंगी पानी पीने के लिए और वहाँ पे वो उसको अपना शिकार बना ले। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग ये सोचने लगेंगे कि अरे बढ़िया है कि यहाँ पे केज में बंद है, वो मासूम डियरों को अपना शिकार बना लेता, तो वो तो सही नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर जो टाइगर है वो उसको नहीं खाएगा तो जो सर्किल है इकोसिस्टम का वो ब्रेक हो जाएगा, और वो जो ब्रेक हो जाएगा तो वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होगा। स्टेंजर टू हमने कंप्लीट कर लिया है और स्टेंजर थर्ड को देखते हैं। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉज टेराइजिंग द विलेज। मतलब ये है कि अगर वो डियर का शिकार न कर रहा होता तो वो जो जंगल के आसपास के जो विलेजेस हैं वो वहाँ पे जाके उनको डराता। अब कैसे डराता? वो अपने दहाड़ से डराता, और जो उसके नुकीले दांत हैं वाइट फैंग्स जो यहाँ पे है उसके दांत को रिफर किया गया है, और वो अपने पंजे से डराता। जो विलेजेस हैं वहाँ पे वो जाके एकदम भयावह मचा देता। स्टेंजर थ्री के बाद हम फोर्थ स्टेंजर पढ़ते हैं और उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्सेंट्रिक सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। इसका मतलब ये है कि हमने अभी तो जो बात किया था, जो पांच माह स्टेंजर था उसमें तो ये था कि जंगल में होता तो वो डियर का शिकार कर रहा होता या फिर वो
जो विलेजेस हैं जंगल के, जो जंगल के नियर बाई विलेजेस हैं वहां पे जाकर उनको डराता, उनको अपने पंजे से दिखाकर दांतों से उनको जाकर डराता दहाड़ता वहां पे। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम वो तो एक केज में है ना, केज में है, तो जो उसका स्ट्रेंथ है वो तो उसी केज के ही अंदर है, उस बार के ही अंदर है, बिहाइंड द बार जैसे लिखा गया है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ केज में ही कुछ भी नहीं कर सकता, वो केज को तोड़ के तो नहीं आ सकता ना। कहने के लिए तो वो किंग है फॉरेस्ट का, लेकिन आज हम लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। मतलब अब उसको रिलेट करना कि आप गए हो जू में और जो टाइगर है वो केज के अंदर बंद है, उसके ऊपर लोग हंसते हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, साथ में सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन जो टाइगर है वो तो कुछ नहीं कर पा रहा, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो तो केज के अंदर है, वो तोड़ नहीं सकता केज को, इसलिए वो सिर्फ इग्नोर करता है। इस स्टेंजा में इतना ही, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेंजा पे। स्टेंजा फाइव के बाद अब स्टेंजा फोर की बात करते हैं हम। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars and stairs, थोड़ा हो गया मिस्टेक, with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो ये है कि जो जंगल में पेट्रोलिंग कार्स आती हैं किसके लिए, ये देखने के लिए कि जो यहाँ पे कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ जानवर भाग तो नहीं गए हैं। तो ये इसका मतलब ये यहाँ बताया गया है कि जो टाइगर है वो लास्टली पेट्रोलिंग कार्स का ही आवाज़, उसके सायरन का आवाज़ सुनता है, और उसके बाद जो वो अपने ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। अब यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ब्रिलियंट आईज मतलब चमकदार आंखों से चमकदार स्टार्स को देखता है, टुकड़ टुकड़ देखता है। आपने या फिर किसी भी कुत्ते बिल्ली जो पेट है उनको अगर रात में आप लाइट मारेंगे तो उनकी जो आईज हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती हैं। यहाँ पे इसका मतलब यही है। हम पूरी समरी की बात करते हैं, तो पूरी समरी पहला स्टेंजा में ये था कि जो टाइगर है वो केज में बंद है, वो अपने मखमली जो उसका पॉज है वो वेलवेट की इतना सॉफ्ट है और ठीक है, इसलिए वो क्वाइटली मूव कर रहा है उसी केज के अंदर, लेकिन वो अंदर से गुस्सा है क्योंकि उसका घर तो जंगल है, वो आज़ाद रहना चाहता है, वो इस चार दीवारी में बंद कर नहीं रहना चाहता। अब ये बात करते हैं दूसरा जो स्टेंजा है उसका मतलब ये है, उसके अंदर ये है कि अगर वो जंगल में होता तो क्या क्या होता। अगर वो जंगल में होता तो वहाँ के पास वाली नदियों के जाके जो ग्रास होती है लंबी लंबी उसके पीछे छिप के वो डियर्स का इंतजार कर रहा होता, और जैसे ही वो आते वो उसको शिकार कर लेता। अगर वो शिकार ना कर रहा होता, जो थर्ड स्टेंजा हमारा वहाँ पे है कि अगर वो नहीं करता तो उसके अलावा वो जंगल के पास वाले जो गांव हैं विलेजेस हैं वहाँ पे जाके उनको डराता। कैसे डराता? दहाड़ कर अपने नुकीले पंजे से और अपने नुकीले दांतों से। अब फोर्थ वाला ये है कि लेकिन ये तो एट द प्रेजेंट टाइम ये एक केज में है, तो इसका जो भी स्ट्रेंथ है वो सिर्फ केज के अंदर है। कहने के लिए ये तो राजा है जंगल का, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं हो, कुछ भी स्ट्रेंथ जो भी है उसके अंदर है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे हम लोग जाते हैं जू में तो हम लोग कई जो जानवर होते हैं उसके साथ सेल्फी लेते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, और वो कुछ भी नहीं करते, तो टाइगर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर वो उस केज को तोड़ तो नहीं सकता ना। तो वो इसलिए वो वहाँ पे जो पब्लिक है वो बस उन लोगों को इग्नोर करता है। एट द एंड फिफ्थ स्टेंजा जो है उसके अंदर ये है कि जो टाइगर है जंगल में पेट्रोलिंग कहाँ से आती हैं, जानवरों को देखने के लिए कि कहीं वहाँ पे कुछ हो तो नहीं गया, कुछ कांड तो नहीं हो गया, कुछ जानवर भाग तो नहीं गए, इसलिए जो पेट्रोलिंग कार्स के सायरन की आवाज़ वो लास्टली सुनता है, और उसके बाद वो सितारों को अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को टुकुर टुकुर देखता है। तो इस पोएम में इतना ही, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने एक समरी में भी कंप्लीट कर दिया है कंबाइन, और साथ में स्टेंजा का भी डिफाइन किया है।
तो ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।